हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सिक्स एग्जाम एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 1 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल क्या होता है और क्या होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखिए स्टूडेंट, बोहर क्वांटाइजेशन लॉ जो है वो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है फॉर हाइड्रोजन एटम। जब हमने बोहर मॉडल स्टडी किया था, इस वीडियो का लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप बोहर एटॉमिक मॉडल के तीनों पोस्टुलेट जो है वो देख सकते हैं। वहां पर हमने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट डिस्कस किया था। बोहर सर ने हमें ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिट्स को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट्स। सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π के बराबर होगा। मींस एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट में क्वांटाइज रहता है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π। जिस ऑर्बिट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर पाएगा। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो 1925 में आया था, जो लुइस डी ब्रोगली ने दिया था, वो हमें ये कहता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, और इन वेव्स को बोला जाता है मैटर वेव्स, और इन वेव्स की एक वेवलेंथ होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं। अगर हम मान लें एम मास है पार्टिकल का और वी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ की मैटर वेव एसोसिएटेड होगी, वो हमें डी ब्रोगली सर ने फॉर्मूला निकाल के बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। तो स्टूडेंट्स, इसी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज करके, इसी कंसेप्ट को यूज करके कि हर एक मैटर हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, हम बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ को प्रूफ करेंगे। मींस हम इस इक्वेशन को यूज करके, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वाली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी वाली इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन जो है प्रूफ करेंगे, जो कि हमें कहती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, और इसी एक्सप्रेशन को बोला जाता है बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम क्या बना के आएंगे इसके अंदर और क्या लिख के आएंगे इसकी थ्योरी के अंदर। According to Bohr's quantization law, electron can revolve only in certain discrete non-rotating orbits called stationary orbits, for which total angular momentum of revolving electron is an integral multiple of h upon 2π. Bohr's quantization law, जो कि बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट ही है एक्चुअली। जब हमने बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था तो जो डेफिनेशन हमने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में लिखी थी, एज इट इज मैंने यहाँ पर उतार दी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, जिनको हम नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, नॉन रोटेटिंग ऑर्बिट्स को क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना ही एनर्जी एमिट करता है, इसलिए टोटल एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो कॉन्स्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए इन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन से ऑर्बिट्स होते हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज रहता है, और एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, या तो 1h अपॉन 2π होगा, या 2h अपॉन 2π होगा, या 3h अपॉन 2π होगा, एंड सो ऑन, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एच अपॉन 2π के। तो मैथमेटिकली एल इज इक्वल टू, एल मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π। यहां पर एन की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 हो सकती है। तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई रेडियस, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के आपको यहाँ रेडियस लेनी पड़ेगी, NH अपॉन 2π। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस 1925, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट कॉल्ड मैटर वेव, हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रोगली। सर हमें ये कहते हैं कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसको मैटर वेव बोलते हैं, और उस मैटर वेव की एक वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी।
ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कैसे हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अप्लाई करके ये जो बोहर क्वांटाइजेशन रूल है, मींस फर्स्ट इक्वेशन जो है बोहर क्वांटाइजेशन रूल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट सेशन में पढ़ा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि हमें ये कहता है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब अगर हम एक सर्कुलर ऑर्बिट लेते हैं जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव नेचर शो करना चाहिए और इसके साथ कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड होने चाहिए। तो स्टूडेंट डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ये जो सर्कमफेरेंस होगा इस ऑर्बिट का, इसके अंदर इंटीरियल मल्टीपल ऑफ टाइम्स जो है वेवलेंथ कंटेन होनी चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होगी। एक वेवलेंथ जो होती है वो एक क्रस्ट और ट्रफ से मिला के बनती है, ये है हमारा क्रस्ट, ये है हमारा ट्रफ, तो ये एक वेवलेंथ है। ऐसी ऐसी जो है चार वेवलेंथ होंगी, पांच होंगी, एक भी हो सकती है, दो तीन चार पांच, इंटीग्रल मल्टीपल्स में जो ये वेवलेंथ होंगी इस सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट के अंदर, इस ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसको एक वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। एंड अ स्टेशनरी ऑर्बिट मस्ट कंटेन इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो उस वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो मींस अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इस ऑर्बिट के सर्कमफेरेंस के अंदर इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स जो है वो वेवलेंथ होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यहां पर एन की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। तो स्टूडेंट्स सर्कमफेरेंस जो है ऑर्बिट का, क्योंकि बोहर ने हमें ये कहा था कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr इक्वल टू n, और लैम्डा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कितनी होती है h अपॉन mv। तो m को ऊपर ले जाओ और mv को ऊपर ले जाओ तो 2π को नीचे ले आओ तो आपको मिल जाएगा mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। और ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन जो कि बोहर्स क्वांटाइजेशन लॉ को रिप्रेजेंट करती है। तो हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके बोहर क्वांटाइजेशन लॉ मींस बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक और उसकी डेरिवेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।